झांसी के टहरौली स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से टप्पेबाजों ने ग्राहक के 10,000 रुपये उड़ा लिए। ग्राहक की शिकायत पर मौके पर पहुंचे सीओ टहरौली और थाना अध्यक्ष टहरौली ने पीएनबी के शाखा प्रबंधक के साथ मिलकर बैंक में खंगाले सीसीटीवी फुटेज। तब बैंक के अंदर हम नोट चेक कर रहे हैं कि फटे पुराने नोट हम अपने बदल दें, फटे नोट ज़्यादा थे गिड्डियों में, तो 100 की नोट की गिड्डी हमने चेक करके रख ली झोले पे, और 50-50 की नोटों की गिड्डी चेक करने लगे, इतने में किसी ने वो गिड्डी हमारी उठा ली। आपने कितने रुपए बैंक से निकाले हैं? हमने साहब 17,000 बैंक से रुपए निकाले। आपके कितने चोरी चले गए? हमारे साहब 10,000 गए, 100-100 का नोट था और 100 नोट थे, इसलिए वो 10,000 कहलाए। आपने इसकी शिकायत किससे की है? साहब बैंक मैनेजर साहब को बताया हमने। फिर इसका नाम, इसने अपना पैसा 17,000 रुपये अपने खाते से निकाले और उसके बाद यहाँ बाहर वाले काउंटर, जो बाहर काउंटर बना हुआ है पासबुक प्रिंटर के पास, वहाँ जाके अपना पैसा गिनने लगा, क्योंकि कुछ नोट खराब थे, कुछ उसमें खराब थे, तो वो देखने लगा। देखने के बाद वो उसने देखा नोट की नोट खराब है, तो नोट बदलने चला। उसका कहना है कि जब वो नोट बदलने गया तो उसने चेक नहीं किया कि उसके थैले में कितने पैसे जो निकाले थे वो हैं कि नहीं। वो वापस आया, उसने आसपास देखा कि पैसे नहीं हैं उसके थैले में, तब वो मेरे पास आया। लगभग आधे से पौन घंटे के बाद आया मेरे पास कि मेरे पैसे कहीं चले गए। तो मैंने उसके बाद तुरंत फिर गेट बंद करवाया, गेट बंद करवाने के पुलिस को बुलाया और उसका चेकिंग भी करवाई कुछ लोगों की, तो संदिग्ध लग रहा था कि हाँ इन लोग के पास हो सकते हैं। कुछ लोग बाहरी लोग भी बार बार आ जाते हैं ऐसे ही कि कुछ काम नहीं है, किसी के साथ चले आए। इस पर हालांकि रोक लगाई है, काफ़ी कम हो गए और बस यही वजह थी उसका पैसा तो मिला नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, आधा से पौन घंटा। सीसीटीवी कैमरा भी देखा।